गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर थर्ड चैप्टर द कोल लोरी इंट्रोडक्शन. सेंचुरी अगो कोल पावर द स्टीम इंजन दैट रन मोस्ट मशीनरी वंस ऑफ द होम एंड द ऑफिस बिल्डिंग्स वी आर हीटेड बाय द कोल बर्निंग फर्न्स. मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर नाउ डन बाय द ऑयल और नेचुरल गैस. 5-6 ऑफ द कोल माइंडेड टुडे is used in electric power plants. Coal is also used in making iron and steel and in the cement and the paper making industry. Means what? जो कोल लोरी का मतलब होता है कोल है और लोरी मतलब ट्रक की पीछे की जो रहती है उसको अपन लोरी बोलते हैं. कोल मतलब आप समझ ही गए हो, कोल जो रहता है कोयला. पहले यूज़ होता था, इंजन्स भी उसके द्वारा चलते थे, जो ट्रेन थी अपनी उसी द्वारा चलती थी और ये ना बहुत जगह यूज़ किया जाता था. जैसे वो चिमनीज रहती हैं, हाथ तापने के लिए तो कोयला यूज़ किया जाता था, नेचुरल गैस. तो अभी जो यूज़ होता है टुडेज के नाव के हिसाब से तो ऑयल और नेचुरल गैस ही होने लगे हैं. पहले इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में भी कोयला यूज़ होता था. सो अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स एंजॉय द रीडिंग. ओके, बॉनी वॉज अ लॉरी ड्राइवर. ही राइड अ रेड लॉरी. वन डे ही ड्रॉप द लॉरी थ्रू एन क्विक टाउन. The lorry was open one with 25 sacks of the coal on it. Suddenly the lorry skin and wheel came off. The sacks of the coal burned. मतलब जो बोनी था ट्रक ड्राइवर के पास लोरी थी रेड कलर की, आपको दिख रही सुंदर सी रेड कलर की लोरी. तो है ना उसने एक दिन क्या करा, लोरी को है ना कहीं छोड़ दिया. तो फिर लोरी में है ना कितने बोरियाँ रखी थी कोले कोल की, 25 बोरियाँ रखी थी. तो क्या हुआ, लोरी में थोड़ा सा है ना उसको व्हील खिसका, स्किप्ड हुआ व्हील, मतलब थोड़ा सा और फिसली हुआ इधर उधर. तो क्या वो कोली के जो उधर स्केक्स और कोल जो बोरियाँ थी बम्प्ड हो गई, मतलब फूट गई अप एंड डाउन. देन द लोरी सिल्ड अक्रॉस द रोड एंड टर्न इन टू द वॉल. एकदम वो जैसे ही फिसली तो जाके क्या, वो ढलान पे थी क्योंकि, तो एकदम फिसली तो जाके बिल्डिंग से टकरा गई. वो बिल्डिंग से टकराने के बाद क्रैश 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 जो जो गाड़ी का आगे का बम्प था वो टूट गया. और सम ऑफ द स्नेक्स फेल टू द ग्राउंड एंड द बस्ट ओवर. मतलब कुछ बोरियाँ थी तो जमीन पर गिर गई और है ना फूट गई. कोल फैन ऑन द रोड ऑन द पार्ट फैन एवरीवेयर. मतलब हर जगह कोयला था जो गिर गया. बोनी पुट्स ऑन ब्रेक एंड गॉट ऑफ हियर लुक अराउंड. जो बोनी उसके अंदर जल्दी चला, उसने ब्रेक लगाए. उसने देयर वाज अ नो अबाउट सो द लोरी डिड नॉट हर्ट एनीवन. गुड साइड बोनी कि चलो ये अच्छा हुआ कि लोरी ने ना किसी को हर्ट नहीं करा. द लोरी हैड ए बिग डेंट इन द फ्रंट. देयर वॉज अ क्रैक इन द वॉल. देयर वॉज अ कोला ऑन द रोड एंड द पाथ एवरीवेयर. आई नीड सम हेल्प एट बोनी. आई विल फोन द ऑटो गैराज. ही फाउंड अ शॉप फार अवे. तो क्या हुआ, उसने ये देखा कि लोरी के सामने जहाँ पर बड़ा सा डेंट लगा था, जैसे आपको दिख रहा है डेंट लगा था, वो जाके ना दीवार में भिड़ गया. तो डेंट भी टूट गया, दीवार में भी क्रैक आ गया. देखो फिर इसके बाद वो हर जगह कोयला फैल गया. उसने बोला कि मुझे हेल्प चाहिए, तो चलो मैं जाके ना ऑटो गैराज में फ़ोन करता हूँ. मगर वो जो ऑटो गैराज की दुकान थी, फ़ोन टेलीफोन की शॉप थी, वो काफ़ी दूर थी. इट हैड अ टेलीफोन. जस्ट सम चिल्ड्रंस केम दैट अवे लुक द क्राइड दैट स्टार्टेड एट द लोरी विद द डेंट इन फ्रंट. दे स्टार्टेड एट द वॉल. दे स्टार्टेड एट द कोला एट द लार्ज वंस एंड स्मॉल वंस. दे चिल्ड्रन टीचर ऑलवेज सेड कीप द things clean. They never dropped the bits of the paper on anything on the path. So after the moment one child said, let's clean up the place. Some children ran often to fetch boxes and bags. Some ran home to fetch the prawns and buckets and baskets. तो उधर से कुछ चिल्ड्रंस निकल रहे थे, तो उन बच्चों ने बोला कि यार हमारे टीचर ने ये सिखाया है कि हमेशा हर चीज़ को क्लीन रखना चाहिए, चाहे वो रोड हो या घर हो, चाहे कुछ भी हो. कभी भी सड़क पे चलते हुए रास्ते पे चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए. तो उनने बच्चों ने जब ये देखा तो उनने बोला चलो हम भी इस जगह को साफ करते हैं. तो सारे बच्चे अपने घर गए, कुछ वो बॉक्सेस लेके आए, बैग्स लेके आए, कुछ है ना बकेट्स लेके आए, कुछ बास्केट्स लेके आए. टर्न टू द नेक्स्ट पेज. सून देयर वाज अ मैनी बॉक्सेस एंड गर्ल्स नियर द लोरी. दे ऑल पिक्ड अप द कोला एंड पुट इन द पाम्स बकेट्स एंड द बर्थ बास्केट्स. उनने ना आसपास में दो वहाँ पे है ना गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ गए. तो गर्ल्स नियर द लोरी एंड बॉयज़ जो थे ना क्या करने लगे, गर्ल्स भरते हुए देखी जा रही थी उन्हें और बॉयज़ क्या कर रहे थे, उनको उठा के बकेट में डालते जा रहे थे बड़ी बकेट्स में. दे रन होम, लेफ्ट द कोला एट द होम एंड रन बैक टू द लोरी. उन्हें है ना अपने घर पर जाके कोला रख दिया. द नो चिल्ड्रन केम देयर एंड हेल्प. द पुलिसमैन केम एंड वॉच. तो उधर बहुत सारे बच्चे आ गए और हेल्प करने के लिए. फिर पुलिसमैन उनको देखता रहा कि ये क्या हो रहा है. सून सम ग्रोन्स
Some groan, he heard the news and the came and helped too. They were, मतलब कुछ बड़े भी आके उन लोगों की हेल्प करने लगे. दे वे आर ऑल प्राउड ऑफ देयर डीन टाइडी टाउन. बोनी वॉज अवे अ लॉन्ग टाइम. तो दे वो लोग बहुत प्राउड करा उन्होंने कि टाउन अपना क्लीन करने के लिए बच्चों ने इतनी मेहनत करी. बोनी वॉज ए अवे अ लॉन्ग टाइम. बोनी बहुत दूर था, लॉन्ग टाइम से बहुत दूर था वो कहीं, क्योंकि वो फ़ोन लगाने गया था. ही कुड नॉट गेट द राइट फोन टेलीफोन नंबर. नाउ ही वॉक स्लोली बैक टू हिज लोरी. तो उसको राइट फ़ोन नंबर नहीं मिला तो फिर वो वापस अपने लोरी के पास अपने आने लगा, अपने ट्रक के पास आने लगा. नाउ आई हैव टू पुल ऑल द कोला बैक इनटू द सैक्स. ही थॉट व्हाट अ जॉब दैट विल बी. कि देखो मैं ना सारा कोला वापस रखना पड़ेगा मुझे सैक्स, मतलब बोरियों में भर के. देखो कैसी जॉब है ये. नियर द लोरी ही सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल. दे वेयर स्टैंडिंग अराउंड द लोरी बट देयर वेयर वॉज द कोला. तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं उसकी ट्रॉली लॉरी के पास. और उसने देखा कि मतलब जो कोयला था वो कहाँ गया. माई कोला वेयर इज माई कोला. ही क्राइड. वो जो रो मतलब बोलने लगा कि रो रो के कि मेरा कोयला कहाँ है, मतलब मेरा कोयला कहाँ है बताओ. वी टोक इट एंड वी क्लीन द पास साइड द चिल्ड्रन. तो बच्चे बोलने लगे कि हमने उठा लिया उसे और हमने साफ़ कर दी जगह को. वी हेल्प यू. कि हमने आपकी हेल्प करी. बट आई पेड ए लॉट ऑफ मनी फॉर दैम साइड बोनी. मैंने बहुत सारा पैसा खर्च करा इसके लिए. दैट्स राइट सेड द पुलिसमैन. की उसने बोला कि हाँ मुझे पता है. दैट्स राइट. बिल्कुल सही बोल रहा. वेयर इज़ द कोयला. एवरी वन लुक सरप्राइज एंड चिल्ड्रन लुक वरी. तो उसने बोला सब लोग एकदम शॉक होकर देने लगे और जो बच्चे थे बहुत टेंशन में आ गए. सॉरी वी नॉट नो. वी टुक इट मैनी बास्केट्स एंड बकेट्स पाम्स एंड बैग्स दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन. एक बच्चा बोला कि हम लोगों ने बहुत सारी बास्केट्स बकेट्स और जो बैग्स थे पुराने उनमें भर के भर लिया. वेल यू मस्ट ब्रिंग इट बैक दैट साइड द पुलिसमैन. तो पुलिसमैन बोलता है कि जाओ उसको तुम लेके आ जाओ वापस. सो द चिल्ड्रन वेंट होम एंड ब्रॉट बैक द कोयला. द ग्रोनर्स हेल्प देम. तो चिल्ड्रन अपने घरों पे गए, उन्होंने वापस लेके आया सारा कोयला जो वो ले गए थे अपने घर पे. और जो बड़े लोग थे उन लोगों ने उसकी हेल्प की. दे फिल द कोयला इन द सैक्स एंड पुट द सैक्स इन द लोरी. उनने फिर उनको बोरियों में भरा सारे कोयलों को और वापस कहाँ पर रख दिया, लोरी में. ट्रक की जो पीछे की लोरी रहती है ना उसमें रख दिया. दे गेव बैक ऑल द कोयला. उनने सारा कोल वापस कर दिया. सॉरी अगेन सेट द टू सेट टू बोनी. सब बच्चों ने सब लोगों ने से बोल के बोला कि मतलब बोनी से दे सेट की सॉरी हमसे, मतलब आपको हमारे वजह से टेंशन हो. दैट्स ऑल राइट थैंक यू चिल्ड्रन सेट बोनी. तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया बच्चों आपके लिए कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी. थैंक्स वेरी मच. एंड द चिल्ड्रन स्माइल्ड. चिल्ड्रन बहुत खुशी से हंसने लगे. द डेप्थ फ्रॉम द फिल्स फ्लावर ड्यू इन द फ्रंट फोर्स द कोला लोरी. तो फिर ने कहा कि उन्होंने अडेप्ट करा इस चीज़ को कि फिल्स फ्लावर ड्यू एंड अ फ्रेंड फोलस द कोला लोरी. ओके तो सर बी वर्डी पे आते हैं. लोरी का मतलब क्या होता है? ए लार्ज व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग इधर से उधर सामान ले जाने के, जो बड़े बड़े वाहन यूज होते हैं. सैक मतलब ये बोरियाँ होती हैं. स्किड मतलब ये स्लाइड रहती, मतलब घाटी. बम्प मतलब फट जाना. स्लिट मतलब मूव स्मूथली, धीरे से खिसकना. ब्रेक मतलब जो गाड़ी में ब्रेक होते हैं. डेंट मतलब जो मेक डिफरेंशन इन समथिंग बाय हिटिंग, कुछ जोर से हिट कर देना. फेच मतलब गो एंड गेट समबडी फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ को फेच करना, पकड़ना. पाम मतलब स्मॉल कैरिज फॉर बेबीज, छोटा सा जो कैरिज होता है. पाम मतलब जिसमें बच्चों को घुमाते हैं. ग्रोन अप मतलब बड़े और बड़े बूढ़े लोग, बड़े लोग. ओके और जो उसकी पीडीएफ है मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.